बच्चों एंड सॉरी 9 मिनट हम डिले। एक्चुअली क्या है कि दूसरी बैच छोड़ के आने में एक तो छोड़ते ही एक आध दो सवाल तो बच्चे पूछते ही और फिर इधर आते ही 10 मिनट के गैप में वहां से आने में लग जाता है 10 मिनट। तो चले आज का लेक्चर स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 2 शायद हम आईसोमेरिज्म स्टार्ट कर चुके हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा कल तो मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं था, डीयू बताया था और बस हमने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था और आपको इतना तो पता होना चाहिए सबसे पहले कि आइसोमर स्ट्रक्चर है कि स्टीरियो। समझ में आ गया कैसे अंतर करेंगे? आईयूपीएसी नेम अगर सेम है और दिल कहे कुछ तो अंतर है। आईयूपीएसी नेम सेम और दिल कहे कुछ तो स्टीरियो होगा। और आईयूपीएसी नेम अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आज लेक्चर नंबर 2 लेक्चर 2 लिखा था नहीं लेक्चर 2 अच्छा क्रम से ओके लेक्चर 2 आज हम पढ़ेंगे। इसमें लेक्चर वो लिख लेंगे ना लोग, चलो बाद में पढ़ेंगे, इसमें फिलअप करेंगे कि क्या हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म वैसे तो ये बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता है वो वापस पढ़ेंगे, जिनको आता है वो रिवाइज करेंगे। ओके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो सीखेंगे। आइसोमेरिज्म जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल और इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं और दूसरा होता है स्टीरियो या इसे हम स्पेस आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल जो होता है ये कितने प्रकार का होता है बोलो? 4, 6 अच्छा ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जो होता है ये आपका 6 प्रकार का होता है, जैसे सबसे पहले फंक्शनल, दूसरा चेन, तीसरा पोजीशन, नेक्स्ट रिंग चेन सब जानते हैं आप, नेक्स्ट मेटामेरिस, नेक्स्ट टॉटोमेरिस। ये टाइटोमेरिज्म तो समझ में तब आता है जब हम जीओसी पढ़ लेते हैं, इसीलिए आइसोमेरिज्म का टॉपिक जो होता है वो जनरली जीओसी के बाद पढ़ा जाता है और यहाँ पे प्लानिंग में पहले है तो हम इसे पहले पढ़ेंगे। कोई नहीं, लेकिन टाइटोमेरिज्म को स्किप करके बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ा, अच्छा ये अंतर तो पता है ना, सबसे पहले जब आइसोमर स्ट्रक्चर होगा स्टीरियो अंतर कर लेंगे आप लोग पक्का। और डिफिनेशन क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो तो क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर आइसोमर्स। स्ट्रक्चर सेम हो और एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग हो तो क्या कहेंगे? स्टीरियो या स्पेस। या आईयूपीएसी नेम अगर डिफरेंट हो तो क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल। और आईयूपीएसी नेम अगर सेम हो कुछ दिल तो अंतर हो, कुछ दिल कहे कुछ तो उसे क्या कहेंगे बताओ? स्टीरियो या स्पेस। ओके चलिए अब हम एक एक करके पूछते हैं। सबसे पहले फंक्शनल, पहले थैंक यू आगे क्या फर्स्ट फंक्शनल नाम से ही पता, देखिए जो नाम होता है वही डिफरेंस है। जैसे लिखा फंक्शनल यानी यहां पर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा, फंक्शनल आइसोमर्स या फंक्शनल आइसोमेरिज। सीधा सीधा आपके सामने दो मॉलिक्यूल दिखे कोई भी या 3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो बताओ? सेम हो और इनमें अंतर क्या हो? फंक्शनल ग्रुप में अंतर डिफरेंस हो, ये डिफर कर रहा हूं तो उस समय इनको हम बोलेंगे दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। बस फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल जो आपने सबसे पहला देखा था जैसे CH3 CH2 OH इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इनके सेम। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स ईथर होता है क्योंकि नेक्स्ट अगला और भी आप देखें जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, दूसरा एग्जांपल। वैसे फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो होते हैं ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? कितने फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल लिखें? थोड़ी सी सावधानी प्रिकॉशन है ना, सावधानी क्या रखेंगे यहां पर जो एग्जाम में हमसे गलतियां हो सकती हैं। ये हिंदी में लिखा ताकि अलर्ट रहे, इसमें समझ में आ गया, जो समझ में नहीं आता उसमें अलर्ट रहते हैं, ठीक है? जो पसंद गलत लिखा क्या कुछ मैंने मिस्टेक है क्या? हिंदी मेरी सबसे वीक थी, कमजोर थी और हिंदी पर क्या हुआ धातु पर धा हां ठीक है चलो जो है ना ओके। अब यार हिंदी में हाथ मेरा थोड़ा सा तंग है ना तो धोखे वाला सवाल आपको बता दूं। एक प्रिकॉशन ये है कि अगर कहीं पर बेंजीन के साथ OH चिपका हो, बेंजीन से OH चिपका डायरेक्ट, इसे कहते हैं फिनोलिक ग्रुप, इसे कहते हैं फिनोल और ये ग्रुप कहलाता है फिनोलिक ग्रुप, ये फिनोल कहलाता है। और अगर बेंजीन और OH के बीच में कोई सिंपल कार्बन आ जाए, SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाए तो ये नॉर्मल अल्कोहल कहलाता है। दोनों में OH होता है पर दोनों के फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट माना जाता है। एक्चुअली हमें फंक्शनल आइसोमर कैसे पहचानते हैं? आपने दो कंपाउंड को चेक किया, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला सही मिला, अब हमें फंक्शनल ग्रुप नजर थोड़ी आएगा कि फंक्शनल ग्रुप में कौन सा है, हम उसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं, टेस्ट करते हैं। उनके केमिकल रिएक्शन अगर डिफरेंट होते हैं तो हम मानते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इनके केमिकल रिएक्शन जिनके डिफरेंट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसके डिफरेंट होते हैं, एकाध एक्सेप्शन में सेम हो जाए बाकी मैक्सिमम डिफर करते हो उसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। तो अगर कहीं पर रिएक्शन डिफर कर रहा हो तो उसके फंक्शनल आइसोमर कहा जाता है। तो जनरली इनके रिएक्शन डिफरेंट होने की वजह से इन्हें फंक्शनल आइसोमर्स माना जाता है। तो फिनॉल और नॉर्मल अल्कोहल जो होते हैं दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। एक ये सावधानी थी। दूसरा फर्स्ट आपने देखा होगा एमाइन, एमाइन होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो वैरी करते हैं, डिग्री चेंज होने पर इनका रिएक्शन चेंज हो जाता है, इसीलिए एमाइन को हम अगर डिग्री चेंज हो रही है तो अलग फंक्शन ग्रुप बोला जाता है। एमाइन जानते हैं आप लोग, सबको पता है ना NH2 NH या आपका N कहीं लिखा हो तो इनके रिएक्शंस जो है तीनों के डिफरेंट होते हैं, इनको कहा जाता है डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। ये दो नोट में आपको लिखना है कि अल्कोहल एंड फिनॉल आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। लिखिए नोट, लिखने की जरूरत है, लिख लो अल्कोहल एंड फिनॉल। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखना है, बाकी हमेशा याद रहता है, कुछ चीजें तो हमेशा याद रहती हैं पर कुछ स्पेशल पॉइंट है जो इसमें ध्यान देना होता है। तो अल्कोहल एंड फिनॉल आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। किनको?
इनके रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं, एमाइन्स के रिएक्शंस डिफरेंट कर जाते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टी मेजॉरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है, इसीलिए इनको हम अलग फंक्शन ग्रुप कहते हैं। अगला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन्स एंड एमाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इट इज डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। आइसोसाइनेट साइनेट साफ साफ दिखता है, वो तो अलग फंक्शन ग्रुप है, जहां दिखता नहीं वो बताओ, जहां दिखता नहीं वो। अच्छा, हम एमाइन्स की डिग्री सबको पहचानना था ना, नाइट्रोजन एक कार्बन संग डायरेक्टली जुड़ा हो तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा हो तो क्या कहते हैं, 4 डिग्री। ओके, नेक्स्ट ये हो गया फंक्शनल आइसोमर्स, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर्स, चेन को हम न्यूक्लियर आइसोमर्स भी कहते हैं, चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स, और इस आइसोमेरिज्म को बोलेंगे चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। यहां पर क्या अंतर होगा आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां चेन में डिफरेंस होगा, एटम के न्यूक्लियस में डिफरेंस होगा, पोजीशन में, समझ में आ गया। मतलब यहां या तो पैरेंट कार्बन चेन में डिफरेंस होगा, अगर पैरेंट कार्बन चेन सेम हो गया तो साइड कार्बन चेन में डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आपके सामने ऐसे दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल दिखें, ऐसा लग रहा है कि कोई डरावना चेहरा है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहां पर सेम हो, एक कंडीशन हो फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, इनके फंक्शनल ग्रुप क्या हो सेम, अंतर क्या हो, इनका पैरेंट कार्बन चेन पीसीसी मतलब पैरेंट कार्बन चेन या साइड कार्बन चेन एससीसी या डिफर कर रहा हो, तो इनको बोलेंगे दे आर चेन आइसोमर, दे आर चेन आइसोमर। अब इसके लिए एक्जैक्टली आपको आईयूपीएसी नेम लिखना आना चाहिए, तो आप सबका नाम लिखेंगे जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट जानते हैं आप लोग, जैसे मेथ एच प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो समझ जाना वो चेन आइसोमर। एग्जांपल बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, आप चाहें तो लिख लें, जैसे हमने लिखा ब्यूटेन जो होता है इसके दो चेन आइसोमर होते हैं, पेंटेन जो होता है इसके तीन चेन आइसोमर होते हैं, एक दो तीन चार आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन। अच्छा, आपको ये नियो आइसो नॉर्मल लिखना आता है, नहीं आता पता, क्रोटोनिक क्राइलिक एसिड आता है लिखना आपको, बस नहीं आता, बीच बीच में हम बात करते रहेंगे इस पर ना, कॉमन नेम नियोपेंटेन, जो नहीं आता हम सीखेंगे। ओके, इनके चेन इसको पैरेंट कार्बन चेन चार मेंबर का, पैरेंट कार्बन चेन तीन मेंबर का, पैरेंट आप जब भी नाम लिखेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन लिखेंगे, इसका नाम में तीन कार्बन है तो टू मिथाइल प्रोपेन लिखेंगे, इसका एन पेंटेन, इसका टू मिथाइल ब्यूटेन, इसका टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन लिखेंगे आप, तो पैरेंट कार्बन चेन चेंज हो रहा है, यहाँ पर पेंटेन, यहाँ पर ब्यूटेन, यहाँ पर प्रोपेन, इसे कौन सा इशू मतलब बताओ चेन। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पैरेंट कार्बन चेन सेम है बट जो इसका साइड वाला कार्बन चेन वो चेंज हो रहा है, इसका साइड कार्बन चेन चार मेंबर का, इसका साइड कार्बन चेन चार मेंबर का है, विद ब्रांचिंग है, ये विदाउट ब्रांचिंग है, है ना, ये विदाउट ब्रांचिंग है, ये क्या है बताओ, विद ब्रांचिंग, तो साइड कार्बन चेन में चेंज हो, तो भी इनको कौन सा इशू करेंगे हम लोग बताओ, चेन इशू करेंगे। ओके, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर हमें ज्यादा एग्जांपल के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, इसका जवाब ये दो चेन आइसोमर्स हो गए, अब इसमें बताइए इसका नाम ब्यूटेन वन ऑल होगा, जब आईयूपीएसी में लिखेंगे ये वन कार्बन, ये टू कार्बन, ये थ्री कार्बन, ये फोर कार्बन, तो ब्यूटेन वन ऑल होगा, इसका नाम होगा ये वन, ये टू, ये टू, ये थ्री, इसका नाम टू मिथाइल प्रोपेन वन, सब सेम है, बस पैरेंट कार्बन चेन ब्यूट है, क्या लिखा बताओ प्रोप लिखा, फंक्शन ग्रुप भी सेम होना चाहिए। अच्छा, दोनों चेंज हो तो चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं एक ये सवाल, यहाँ पर कार्बन चेन भी चेंज हो रहा है और फंक्शन ग्रुप भी चेंज हो रहा है, तो चेन आइसोमर तभी कहलाएगा जब उसका फंक्शन ग्रुप क्या हुआ आपस में सेम और फंक्शन ग्रुप डिफर कर गया, तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा बताओ, फंक्शनल, तो ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर, यदि ना चेन आइसोमर से फंक्शनल आइसोमर। ओके, नेक्स्ट, अब इसी प्रकार से जहां भी पैरेंट कार्बन चेन चेंज हो, चेंज हो उसे क्या कहेंगे, चेंज। एक सवाल पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप बोल सकता है, इस फंक्शन ग्रुप के चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी इस प्रकार के का क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिक्वायर्ड टू सो चेन आइसोमेरिज़, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, टू सो रिक्वायर्ड टू सो चेन आइसोमेरिज़ इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल या इन फॉलोइंग केसेस, फर्स्ट एल्केन, एल्केन को चेन आइसोमर शो करना, सेकंड एल्कीन, थर्ड एल्काइन, फोर्थ कीटोन, फिफ्थ एस्टर। आई थिंक ये सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, मतलब आपको दो ऐसे एग्जांपल बनाने हैं जो आपस में चेन आइसोमर हो बट यू हैव टू यूज मिनिमम कार्बन, मतलब आपको एल्केन के दो आइसोमर बनाने हैं, दो रूप बनाने हैं जिनमें कार्बन की संख्या क्या हो बताओ, मिनिमम हो पर वो दोनों एल्केन हो और कंडीशन की वो चेन आइसोमर हो। तो चलिए हम स्टार्ट करें, बना लिया आपने, पहले आप आंसर बताइए फटाक से, फिर मैं आपको जवाब दूं, जब दो मिनट का समय ले लिया, एक दो मिनट का, सब लोग निकाल लें, कुछ तो याद कर चुके होंगे, कुछ बच्चों को याद हो गया भाई, सवाल में दो मिनट काफी, ठीक है, याद ही भाई ने दे सकते, मेरे ख्याल से हो गया होगा दो मिनट, नहीं बताया, चलो एक मिनट, हमें अपने केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन को 30 सेकंड में ही करना हर सवाल, समझ में आ गया, और बाकी समय जो हमारे पास बचे हर क्वेश्चन में 10 सेकंड जो चुराएंगे 15 सेकंड वो हमें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में देना, वहां पर हम कैलकुलेशन होता है वो बिल्कुल 100% सही आते हैं, और बायो को तो आपको 20 सेकंड में ही क्वेश्चन 25 सेकंड में करना, पढ़ते ही आंसर आना चाहिए आपका। और याद रखिएगा, यदि आप 700 चाहते हैं नंबर, 700 गूगल नंबर चाहते हैं, तो आपका सिलेबस खत्म हो और पूरे मार्च पर डे तीन पेपर प्रैक्टिस या दो पेपर प्रैक्टिस करेंगे, तीन पेपर प्रैक्टिस मतलब 9 घंटे की प्रैक्टिस है और दो पेपर मतलब 6 घंटे की प्रैक्टिस है, तो अगर आप 30 दिन में तीन तीन पेपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप याद रखिएगा 90 दिन में आप जो है 30 दिन में 90 पेपर और वापस 90 पेपर अप्रैल में पब्लिश कर सकते हैं, ऐसे ही कुल मिला के 100-200 पेपर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जब आपको ऐसा लगे क्वेश्चन ही नहीं बचा है तब आप जे मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप एग्जाम में जाएंगे, जे मेंस सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स ओनली और बाकी बायो जे मेंस में नहीं आता, एडवांस नहीं बोलूंगा, एडवांस में फिर उलझ जाएंगे आप,
पर हाँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एडवांस के सवाल भी सही कर सकते हैं। ओके एल्कीन, चलिए आंसर बताएं कितने, चार या फोर? अच्छा एल्कीन कितने, चार। एल्काइन पांच। एकीटोन कुछ फाइव बोले, कुछ फोर बोले, नहीं पता, मैं कंफर्म करता हूँ। एस्टर कितने, फोर। पक्का सही है। अच्छा ये किसी को डाउट तो नहीं इसमें, यहाँ पर कीटोन में दो आंसर आया, इसको बच्चे कर ले। हमें कीटोन बनाने, अब देखो कीटोन बनाने के लिए मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट तीन होती है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन में जोड़ नहीं। अब एक कार्बन को उठाकर यहाँ से उठाकर यहाँ पर जोड़ोगे तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें एक और कार्बन जोड़ के देखते हैं, चार कार्बन हमने जोड़ दिया। अब ये किनारे वाले कार्बन यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, दो ही जगह जोड़ सकते हैं आईयूपीएसी नेम से मेगा। एक और कार्बन जोड़ के देखें, हाँ ये पांच कार्बन है, पांच कार्बन है। अब ये पांचवा कार्बन को यहाँ पर जोड़ने के बजाय यहाँ जोड़ दें तो ये चेन बदल जाएगा आई थिंक। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए, आंसर शुड बी फाइव, आंसर शुड बी फाइव, फोर वाला आंसर गलत है। ऐसे आप एल्केन बना लेंगे, आप एल्केन के अच्छा तीन कार्बन हो गया, तीन कार्बन हो गया। अब फिर इसको उठा के हम यहाँ पर चेंज कर दिया, चेन तो बदल गया, ब्रांच नहीं है क्या? अच्छा पैरेंट कार्बन चेन सेम है, घुमा के मत लिखो, ये प्रोपेन ये भी प्रोपेन है। अच्छा यहाँ पर हमने लिखा था ब्यूटेन हो गया और एक और कार्बन है आइसोब्यूटेन या टू मिथाइल प्रोपेन, दैट्स ऑल। यहाँ पर एल्कीन के लिए हमें याद रखेगा एल्कीन, ऐसे एल्कीन में भी कितने कार्बन लगेंगे बताइए। नेक्स्ट एल्काइन, एस्टर के लिए एस्टर में मिनिमम दो कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना इसके एस्टर बनी नहीं सकता, ऑक्सीजन से भी कार्बन हमको जोड़ना पड़ता है। पक्का एक कार्बन और जोड़ें, इसको उठा के यहाँ पर जोड़ेंगे तो वो चेन आइसोमर बनेगा, बोलो चेन में चेंज होगा, साइड ग्रुप में भी चेंज होगा। एक कार्बन और जोड़े यहाँ पर, एक कार्बन ये कार्बन उठा के यहाँ जोड़ दे तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा बताओ, चेन आइसोमर हो जाएगा। इस कार्बन उठा के यहाँ पर जोड़ दे तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा बताओ, चेन आइसोमर हो जाएगा। पक्का चलिए तो आंसर शुड बी फाइव। इस एस्टर में कितने कार्बन चाहिए बताओ, फाइव। जिसने फोर बनाया है ना वो मेटामर बना रहा, जिसने फोर बनाया है उसमें वो मेटामर बना। ओके तो ये रहा, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताओ, हो गया एल्काइन में पांच बना दो आपको क्या, देखिए पांच कार्बन हो गया। अब पांच कार्बन में देखो चार कार्बन अगर यूज करोगे तो नहीं बन सकता, ये चार कार्बन यूज करो, इस कार्बन को खाते आप यहाँ नहीं जोड़ सकते, यहाँ पर जोड़ोगे तो चेन नहीं बदलेगा, वो पोजीशन बदल जाएगा। समझ में, तो चेन आइसोमर बनाने के लिए इसमें पांच कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, किनारे वाले कार्बन को यहाँ पर जोड़ दीजिए तो वो चेन आइसोमर बन जाए, ऐसे बस चेन चेंज होना चाहिए बस। ओके दैट्स ऑल, पोजीशन आइसोमर पढ़ेंगे। अगला आइसोमर आसान आसान क्वेश्चन, देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, यदि आपका कंसेप्ट एक्जैक्टली क्लियर है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी, आप सिली मिस्टेक नहीं करते हैं तो आप 700 में 720 नंबर आराम से पा सकते हो। और यदि एक बार मौका मिला है लाइफ में, दो साल आपने मेहनत कर लिया है, ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो क्यों ना इस बार जो इन्वेस्टमेंट हो आपका इस प्रकार से हो कि आपका मनचाहा कॉलेज हो, मनचाहा शहर हो, और मनचाहा आपको मतलब जिस शहर में आप मेडिकल पढ़ाई करना चाहते हो शहर में आपको वो कॉलेज में हो, किसी और की पसंद के कॉलेज में ना जाए बल्कि अपने पसंद के कॉलेज में जाए। चलिए पोजीशन, और मैं आपको बता दूं कुछ भी संभव है, हर वो बच्चा जिसके नंबर 550, 500, 450 ऊपर है, हर वो बच्चा 720 नंबर डिजर्व करता है, और हर वो बच्चा कंफ्यूज है कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा। 720 वाले पाने वाले को भी नहीं पता होता, एग्जाम के पहले तक नहीं पता होता कि वो 720 नंबर पाएगा कि नहीं पाएगा। जो आराम से बिना घबराए, बिना सिली मिस्टेक के क्वेश्चन कर लिया, प्लानिंग के साथ कर लिया, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, वो 720 नंबर पा देगा, कर सकते हैं। 450 ऊपर पाने हर बच्चा जो होता है उसकी प्रिपरेशन इस लेवल की होती है कि वो 720 नंबर पा सकता है, और 550 और अच्छी बात। और जो भाई जो 600 ऊपर है, 650 ऊपर तो कॉलेज जा चुका, 600 ऊपर तो लगभग सब कॉलेज ही ले लेते हैं। तो अब बचे कितने, इसका मतलब जो लेवल बचा है वो कौन सा क्लीन लेवल बचा, एक तो वो 550 वाला, और कुछ नए क्रिएट हुए हैं, वो जो 11 से 12 में मूव करते हैं, कुछ शार्प माइंडेड बच्चे होते हैं थोड़े, वो भी क्रिएट हुए हैं जो उन्होंने पिछले साल एग्जाम नहीं दिया। तो जो पिछले साल नहीं दिया आप में बहुत फर्क है, आप पता है आपको टाइम मैनेजमेंट पता है, उनको टाइम मैनेजमेंट अभी नहीं पता होगा। तो हमारी पूरी प्लानिंग होगी, हम पूरे मार्च पूरे अप्रैल और मई में हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट वीक में आपके पेपर होने के चांसेस है। ऐसा लग रहा है कि जो भी लास्ट वीक में 15 मई के बाद जो संडे होगा उसमें पेपर अभी होने के चांसेस है। हमारे कुछ साथी छोड़ जाने दो, हमारे साथी कुछ ऐसा सोच रहे थे, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ इसे बता रहा हूँ। पोजीशन जो भी डाउट हो पूछे, पोजीशन आइसोमर से ना हम बात करें, याद रखिएगा ऐसे, अरे यार अब याद रखिएगा, अगर मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बातें नहीं, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, और पैरेंट कार्बन चेन और साइड कार्बन चेन ये भी सेम होना चाहिए, ये सब सेम होना चाहिए, मतलब ना फंक्शनल आइसोमर होना चाहिए तो नंबर पोजीशन का था, उसमें अंतर क्या हो, पोजीशन आप साइड ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप ये डिफर कर रही हो, तो उन्हें हम बोलेंगे दे आर पोजीशन आइसोमर्स, और फेनोमेनन को बोलेंगे पोजीशन आइसो मैरिज। चलिए एग्जांपल, एग्जांपल इसमें मुझे लगता है लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको पता है जैसे हमने लिखा प्रोपेन वन ऑल प्रोपेन टू ऑल, यहां पर पैरेंट कार्बन चेन से फंक्शन ग्रुप से वो इसकी पोजीशन वैरी कर रही है। ओके नेक्स्ट वन क्लोरो प्रोपेन, नेक्स्ट टू क्लोरो प्रोपेन, पक्का ये पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट अच्छा ये कीटोन, इसमें कीटोन की पोजीशन राइट है, राइट से सेकंड है, इसमें क्या है बताओ लेफ्ट से सेकंड है, सेम पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अरे ये राइट किनारे से अच्छा अच्छा आईयूपीएसी नेम सेम है, तो इसका नाम टू ब्यूटेनोन है, इसका नाम टू ब्यूटेनोन। अच्छा ठीक है, फिर मान लिया आपकी बात, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, पोजीशन सेम नहीं है, देखो यहां पर ये टू पोजीशन है, ये थ्री पोजीशन, इसलिए कौन सा आइसोमर हो गया बताओ, पोजीशन आइसोमर। मेरे ख्याल से बस समझ में आ गया आपको, आगे ना आपको समझ में। अच्छा ये कुछ कॉमन नेम मुझे आपको सिखाने थे, इसे एग्जांपल दे दिया, एक साथ कॉमन नेम हो जाए 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, और इनका एक और नाम है, इसे कहते हैं ऑर्थो, इसे मेटा, इसे पैरा ज़ाइलीन, ज़ाइलीन जी नहीं ज़ाइलीन है ना, हाथ उतना दिमाग हाथ नहीं चला जितना तेज में बोल रहा, तो ऑर्थो मेटा पैरा ज़ाइलीन। अच्छा ज़ाइलीन लोशन आप लोग जानते हैं जो दांत खाद खुजली मिटाता है, उसका इसे कोई लेना देना नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन है। अच्छा ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा का डॉक्टर यहां पे आने वाले समय में तो आपको ये खैर पता ही होना चाहिए।
ऐसे और अब जो भी जहां पे पोजीशन चेंज हो रहा हो वहां पर ये क्या बोलेंगे हम, पोजीशन आइसोमर्स। थोड़े से धोखे वाला क्वेश्चन, DWQ धोखे वाला क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे एक सवाल करूं क्या हुआ, DW शॉर्ट फॉर्म दिक्कत हो रहा है, धोखे वाला क्वेश्चन, धोखे वाला क्वेश्चन। एक बार सारा लिख देता हूं ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो पता, अच्छा मैं पूरा लिख दिया करूंगा, आप लिख लो धोखे वाला क्वेश्चन है। एक बार एक जो क्या नाम है प्रिंटिंग कर, जो प्रेस सॉरी जो फोटो कॉपी करते हैं ना, कुछ दुकान वाले यहाँ पर अच्छे लेवल पर फोटो कॉपी करते हैं, वो मेरे पास कंप्लेन है सर, वो नोट्स में क्या लिखते हो, DWQ लिखते हो, कभी कुछ लिखते हो, कभी कुछ लिखते हो, बच्चे नोट्स वापस दे देते हैं, जो बोलते इसका मतलब समझ ये गूगल में भी नहीं मिला है ना, DWQ गूगल में डाले तो कुछ समझ में आ रहा है। तो ये इसके बारे में अगर हमें तो लग रहा है पोजीशन है, बट इट्स नॉट ए पोजीशन, ऐसा लग रहा है इसमें कार्बोक्सिलिक की पोजीशन 1 है और ये कार्बोक्सिलिक की पोजीशन क्या है 2 है, बट ये पैरेंट कार्बन चेन बदल रहा है, क्योंकि हमें पता है जहां पर चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं वहां पर IUPAC मेथड में नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू होती है, तो आप इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, और ये यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये ब्यूटेनोइक एसिड है, ओके 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसलिए ये आपस में चेन आइसोमर्स है, दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स, दे आर चेन आइसोमर्स। एक तो ऐसा धोखा मिलता है, एक कभी कभी ऐसा धोखा मिलता है कि हमने यहां पर शॉर्टकट में मिथाइल लिख दिया और यहां हमने शॉर्टकट में इथाइल लिख दिया, सॉरी मैंने गलत लिखा, क्वेश्चन गलत कर दिया, यहाँ पर हमने इथाइल कर दिया और यहाँ पर हमने इथाइल इस पोजीशन पे कर दिया, तो उसमें भी गलती होती है, हमें लगता है कि हियर इथाइल की पोजीशन 2 है और यहाँ इथाइल की पोजीशन 3 है, तो इसका नाम अक्सर हम लिख सकते हैं 2 इथाइल पेंटेन और इसका लिखेंगे तो 3 इथाइल पेंटेन। ये गलतियां होती हैं, तो ये गलती ना हो, ये गलत है, इसको हम ओपन करेंगे पूरी तरीके से। इथाइल मतलब 2 कार्बन होता है ना, फिर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे और फिर हम इसका जवाब देंगे, आया समझ में। तो इसमें पैरेंट कार्बन चेन बदल गया है ना, इसमें एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4, ये 5, ये 6, ये 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, और इसका क्या नाम हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन। तो क्या इसमें कुछ नया मुझे बताना है इसमें, ये तो सर मेरे ख्याल से आपको आता होगा, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो उसको आप स्ट्रक्चर पूरा खोल लिया करें तो आपसे गलती नहीं होगी, पक्का। आगे अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला इशू मेरे पास आया, एक मिनट आ गया, जिसको जिसको IUPAC में दिक्कत हो रही है वो कौन कौन है IUPAC, हाँ भाई पूरा फुल, ठीक है, मैं कल बोला तो था लेकिन मेरे को क्लास नहीं मिल पाई, मेरी क्लास 5:30 से थी, तो मैं किसी एक दिन 2 दिन आपकी क्लासेस एडजस्ट करके एक्स्ट्रा टाइम पे हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा चैप्टर, हर एक्स्ट्रा क्लास में क्या पढ़ेंगे एक्स्ट्रा चैप्टर। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट कौन सा इशू मेरे जल्दी से बता दिया, रिंग चेन, रिंग चेन, रिंग चेन, हाँ बेटा वो अलग अलग फंक्शन ग्रुप पे डिपेंड करता है, तो चलिए एक, हाँ तो आप एल्केन के लिए पूछ रहे हैं कि एल्केन के लिए पूछ रहे हैं कि एल्काइन के लिए, चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिए क्वेश्चन, डिसाइड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड, डिसाइड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड, मिनिमम क्वेश्चन है, डिसाइड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू सो पोजीशन आइसोमेरिस इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, फर्स्ट ए, वही वाला ऑप्शन एल्केन, सेकंड एल्कीन, थर्ड एल्केन, एल्केन हो चुका है एल्काइन, फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फिफ्थ कीटोन, कीटोन छोड़ो, चलो ठीक, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी ऐसे बन सकता है, इसका जवाब अब आपको क्या करना है कि 2 एल्केन बनाने हैं, देयर शुड बी पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर, बट यू हैव टू यूज मिनिमम कार्बन, आपको 2 आइसोमर बनाने हैं वो पोजीशन आइसोमर होने चाहिए, कंडीशन अप्लाई, बट वो एल्केन हो और कार्बन में मिनिमम यूज किया गया, तो जल्दी से बताइए आप लोग इसका जवाब, समय 2 मिनट का, क्योंकि सबके आंसर आ जाए, फिर आप बता दोगे तो फिर वो आंसर प्योर नहीं होगा, नहीं कुछ ना कुछ लिखा होगा भाई, वो तो फंक्शन को देगा ना, क्वेश्चन हो जाएगा बोनस, क्योंकि एल्केन के लिए अलग है, एल्काइन के लिए, एल्केन के लिए अलग है, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे कभी, ये फंक्शन को बोलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, बस चेन आइसोमर बनने चाहिए, चाहे जिसका यूज कर लो, बट कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बट यू हैव टू मेक मिनिमम कार्बन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप जैसे मान लीजिए देखें, अच्छा आप करें सेकेंडरी फंक्शन, मान लीजिए किसी में सेकेंडरी फंक्शन होता है हैलोजन, तो लिखता है हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर वो पूछेगा तो लिखेगा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में गया, वो पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि जनता जो है ना 20 लाख जनता एकदम नोट खाएगी उसको, अगर उसने क्वेश्चन गलत हो गया तो, जिसका क्वेश्चन बोनस होता है उसकी हालत खराब हो जाती, क्वेश्चन बोनस, ये तो साल भर में एक तो पेपर बना रहे हो, वो भी क्वेश्चन बोनस हो जा रहा है, तो क्या चीज, मगर मान गए तो उनकी कमी है ना, मान गए तो उनकी कमी है ना, अब उस कौन कोर्ट केस जाए, कौन कोर्ट केस करे, इस चक्कर में आने छोड़, लेकिन जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन राइज होते हैं उनको बोनस करना पड़ता, जल्दी बताएं एल्केन के लिए पक्का 6 एल्कीन 4 एल्काइन 4 कार्बोक्सिलिक 5 से कम चलेगा, कुछ लोग 4 भी बोले, अच्छा कीटोन, आई थिंक कीटोन 5 से हो जाना चाहिए, कुछ लोग 6 भी बोल रहे हैं, 6 गलत है, ओके तो एल्केन आपको बनाने, देखो आपने सारे एल्केन ही यूज करने, अगर आपने एल्केन बनाया और आपने एक कार्बन को यहाँ जोड़ दिया दूसरे कार्बन को बीच में जोड़ दिया, पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेन आइसोमर हो जाएगा, ये ब्यूटेन है, ये क्या है आपका बताओ, ये आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है, ये क्या है आइसोब्यूटेन, या ब्यूटेन ये 2 मिथाइल प्रोपेन, मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट कितनी बताओ, अच्छा 5 कार्बन आपने यूज किया, तो 5 कार्बन में ये हमने 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखा, अगर आपने पोजीशन चेंज किया राइट साइड तो भी सर 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आएगा, तो 5 कार्बन से भी आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ओके अब कितने कार्बन चाहिए बताओ यहाँ पर, 6 कार्बन अगर आप यूज करते तो शायद आप चेन आइसोमर बना सकते हैं, 6 कार्बन यूज करके चेन आइसोमर को बना सकते हैं, तो आंसर शुड बी 6, 1 2 3 क्या बेटा 1 2 3 4 5 नाम क्या है 2
मिथाइल पेंटेन इसका 1 2 3 3 मिथाइल पेंटेन पोजीशन मिथाइल की यहां पर 2 है यहां पर 3 है एल्केन में पोजीशन चेंज हो रहा है एमपी मतलब मिथाइल पेंटेन पूरा लिखेगा मेरे को हाथ से लिखने में समय लगता मुंह तो बोल देता अब हाथ बेचारा लिखता रहता है उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक रहती है ना तो इतना तो चलेगा ये नाम लिखा है तो आप पूरा लिख सकते हो ओके ऐसे एल्केन के लिए क्या कर सकते हैं बताओ एल्केन में 3 से तो बन जाएगा एक बार पोजीशन राइट हो गया डबल बॉन्ड की एक बार पोजीशन लेफ्ट हो गया अच्छा पोजीशन ही चेंज हो गया ये भी 1 प्रोपीन है ये भी 1 प्रोपीन अच्छा ऐसा करना पड़ेगा फिर यहां पर मिनिमम 4 कार्बन एल्काइन के लिए भी मिनिमम 4 कार्बन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में नहीं पता तो चलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देखते हैं भाई हमने 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना के चेक करते अब इसमें हमें कार्बोक्सिलिक के अलावा कोई और ग्रुप नहीं लगाना सिर्फ कार्बन ही लगाना तो अगर हमने किनारे पे कार्बन लगा दिया यहां पर कार्बन लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा चेन आइसोमर बन जाएगा तो 3 कार्बन से नहीं बन रहा 4 यूज करके देखते 4 है ना 4 से भी बनेगा 5 एक बार यहां पर कार्बन यूज कर दें और एक बार यहां पर यूज कर जिसने 4 बोला है उसने क्या किया जानते हैं उसने कार्बोक्सिलिक की पोजीशन चेंज कर दिया उसने एक बार सी डबल एच यहां लिख दिया और यहां पर एक बार सी डबल एच यहां लिख दिया ये तो 5 हो गया मेरे का नहीं सर जिसने बोला है उसने इस प्रकार से क्वेश्चन किया है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रहा है ये कार्बोक्सिलिक की पोजीशन 1 है यहां पर 2 किसने 4 बोला था आंसर सॉरी कार्बोक्सिलिक आंसर 4 किसने बोला क्या सोचा था आपने ऐसे ही कार्बोक्सिलिक 1 पोजीशन है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड और 1 ब्यूटेनोइक एसिड 1 ब्यूटेनोइक कैसे होगा ब्यूटेनोइक 1 कैसे होगा ब्यूटेनोइक तो 4 होगा और पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा फिर से बताइए जो आप बोले मैं वही नाम लिख रहा हूं केमिस्ट्री कहती है आओ लिख के सीखे आओ लिख के नाम बोलिए बेटा जल्दी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक आगे बोलो हो गया बना लिया प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनोइक 1 ब्यूटेनोइक अच्छा ब्यूटेनोइक पहली बार जहां आपने प्रोपेनोइक बोला और ब्यूटेनोइक बोला तो वो तो चेन ही चेंज हो गया ना तभी तो आपने प्रो और ब्यूट बोला है आप एक जगह प्रो बोल दिया एक जगह ब्यूट बोल दिया तो चेन तो चेंज हो गई ना तो काहे का पोजीशन समझ गए डॉक्टर हेलो दिखाऊंगा नहीं आपके डिस्पेंसरी आगे ना अगर कंफ्यूज है ना अगला नेक्स्ट कीटोन हाँ बेटा चेन को चेन पोजीशन साथ में होगा नहीं अगर कभी प्रायोरिटी देनी हो तो चेक नहीं पता कभी नहीं पता कहाँ पे ये तो पोजीशन है ही नहीं हम प्रायोरिटी क्यों देंगे हम पहले कार्बन चेन नहीं लिखेंगे ये सेकंड कार्बन पर मिथाइल है यहाँ सेकंड कार्बन पर ये बिना ब्रांच का है ये भी ब्रांच है तो ये चेन वही है ये पोजीशन तो है ही नहीं पोजीशन होने के लिए पैरेंट कार्बन चेन सेम होना चाहिए और इसका पैरेंट कार्बन चेन बेटा 3 मेंबर का है इसका पैरेंट कार्बन चेन कितने मेंबर का है बेटा 4 पोजीशन होने के लिए पैरेंट कार्बन चेन सेम होगा तभी पोजीशन आइसोमर होगा पक्का ओके नेक्स्ट दोनों एक साथ नहीं होगा कभी भी अगला जी आदेश रुको क्या HCl और HCN देखिए समय से पहले और भागे से ज्यादा कुछ नहीं मिलता और समय से पहले भागे से ज्यादा चाहिए तो मेहनत करना पड़ता है गलियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं मतलब मेहनत करना पड़ता है टीचर ऐसे बैठिए आपको खुद ही पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ये टाइटोमर्स हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हैं और ये टाइटोमर्स भी हैं जब दो फंक्शनल आइसोमर्स हो एक दूसरे में बदल रहे हो दो फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे में चेंजेबल हो तो उस समय उनको टाइटोमर्स कहा जाता है क्या कहते हैं बताइए टाइटोमर्स ये एक जब दो फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे में बदलेबल हो बदलेबल मतलब समझ रहे हैं पहला दूसरे में बदल जाए दूसरे पहले में तो उनके बीच इक्विलिब्रियम हो जाए टाइटोमर्स टाइटोमर्स का प्रायोरिटी होती है फंक्शनल आइसोमर से ज्यादा होती है आगे आएगा नंबर बैठिए थैंक यू ये फंक्शनल आइसोमर ये दोनों हैं ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं एंड टाइटोमर्स पर अगर हमें एक आंसर चुनना हो तो हमें क्या चुनेंगे बेटा टाइटो ये फंक्शनल आइसोमर्स आया ये आगे बताया जाएगा ये डाउट आगे का था मैंने बोला ना भाग से ज्यादा समय से पहले तभी मिलता है जब हम एक्स्ट्रा काम करें नेक्स्ट रिंग चेन आइसोमर आगे बढ़ो देखो एक आइसोमर बात नहीं एक आइसोमर अगर साइक्लिक हो रिंग फॉर्मिंग हो और एक ए साइक्लिक हो तो उन्हें रिंग चेन आइसोमर्स कहेंगे बस याद रखना इसको जैसे आपने लिखा ये एल्काडाइन और ये आपका साइक्लोएल्कीन दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है एक ए साइक्लिक है दूसरा क्या है बताओ साइक्लिक है तो कौन सा आइसोमर होगा बताओ रिंग चेन आइसोमर्स और एग्जांपल देखें जैसे ये एल्डिहाइड और ये आपका ईथर ये भी रिंग चेन आइसोमर्स ये सिर्फ रिंग चेन ये रिंग चेन के साथ फंक्शनल आइसोमर्स भी रिंग चेन आइसोमर्स प्लस फंक्शनल आइसोमर्स अगर दोनों आंसर आया और बोथ ऑप्शन हो ए रिंग चेन है बी फंक्शनल है तो आंसर दोनों करेक्ट होगा मतलब रिंग चेन भी है और फंक्शनल भी है और सी ऑप्शन बोथ हो डी नन हो तो आंसर बोथ होगा लेकिन अगर वो एक ही आंसर चुनना हो एक रिंग चेन हो एक फंक्शनल हो एक कुछ और हो तो वहां पर क्या चुनेंगे रिंग चेन आइसोमर का महत्व जो होता है वो फंक्शनल आइसोमर से क्या होता है ज्यादा ये हम आगे आपको बताएं देखो मैं आपको बता रहा हूं आंसर हमें अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों ही करेक्ट है और कभी भी एग्जाम में दोनों नहीं आएगा किसी भी पेपर में दोनों को एक साथ नहीं देगा क्योंकि एग्जाम में तो भी पता है कि क्वेश्चन फंस जाएंगे देखो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बुक्स में लिखे गए ऑथेंटिक किसी किसी बुक्स में जिसका रेफरेंस है तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं जो कि आपका बोनस होने वाला कोई या तो रिंग देंगे या तो फंक्शन देंगे वैसे फंक्शन देंगे नहीं रिंग नहीं पूछेंगे आगे बढ़ते हम लोग बेटा पर एक आंसर चुनना हो और बोथ ऑप्शन ना हो बोथ ऑप्शन ना हो आंसर एक ही चुनाव कोई हमारे में एक ही आपको गोला करना हो तो वहां पर क्या करिएगा बताओ रिंग चेन चलिए नेक्स्ट कितना आइसोमर हो गया बताओ 4 5वां मेटामर्स तो ऐसा मेटामर्स किसको कहते हैं ऐसा मर्स जिसमें मेटा पहले लिखा हो बाद में मर्स उसे क्या कहेंगे नहीं गलत डेफिनेशन होगी गड़बड़ हो गया अच्छा चेंज करते हैं ये डेफिनेशन लिखी जा सकती है ना मर्स इन विच मेटा इज रिटन फर्स्ट देन आफ्टर मर्स है ना ओके मेटा मर्स जानने से पहले एक बार बता दूं यू नो पॉलीवैलेंट एटम एटम व्हिच कैन फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड मैं पीवीए लिख रहा था लेकिन आपकी वजह से मैं पूरा लिख दिया ना पॉलीवैलेंट एटम जैसे ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन ये सब पॉलीवैलेंट एटम होते हैं अच्छा हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है फ्लोरीन मोनोवैलेंट है ओके नेक्स्ट अच्छा पॉलीवैलेंट ग्रुप अच्छा फिर शॉर्ट कर लेता हूं मैं
ग्रुप विच कैन फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड, या ग्रुप जिसमें लेफ्ट भी बॉन्ड और राइट भी हो, ग्रुप जिसमें एक कार्बन चेन लेफ्ट भी चल रही हो और एक है राइट, कुछ डाउट है क्या? एक कार्बन चेन लेफ्ट भी चल रही हो, दूसरी किधर चल रही हो, तो राइट, ऐसे हम उनको कहते हैं क्या? पॉलीवैलेंट ग्रुप। अब जैसे आप एस्टर, ये देखो एस्टर, एस्टर एस्टर में एक कार्बन चेन कार्बन से जुड़ी होती है और एक कार्बन चेन किधर होती है बताओ? ऑक्सीजन से। नाम इस फंक्शनल ग्रुप का क्या है? एस्टर। अच्छा दूसरा ये बोलो थायो ओइक एसिड, एस्टर ऑफ थायो ओइक एसिड, समझ में आ गया? नेक्स्ट सल्फोन, सल्फोनिक एस्टर, सल्फोनिक एसिड एस्टर, नेक्स्ट सल्फिनिक एसिड एस्टर, नेक्स्ट एमाइड, ये सब जानते हैं आप लोग, नेक्स्ट एनहाइड्राइड, और कुछ सीखेंगे आप? देखो हम एस्टर कैसे किसको कहते हैं, जो एसिड होता है ना, ये कोई भी एसिड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थायो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सेलेनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये सल्फिनिक एसिड है। यदि हम इनके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, यहां से हाइड्रोजन को हटा दें, इस हाइड्रोजन को हटा के यहां पर कोई कार्बन वाला ग्रुप लगा दें, तो ये सब इनके एस्टर कहलाएंगे, समझ में आ गया? जो जनरली हमारे एस्टर में जो नाम पूछा जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होता है, ऐसे इसका मतलब नहीं कि दुनिया में और एस्टर नहीं पाए जाते, हमारे पास जो सिलेबस में नाम पूछा जाता है वो कौन सा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर है, सल्फोनिक एसिड का एस्टर ये पूछा जा सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड का एस्टर अभी तक नहीं पूछा गया है, तो पूछे जाने के चांसेस कम है, चांसेस कम है, पर हमें पता होना चाहिए बाई चांस दिमाग कभी फिर जाए तो एक क्वेश्चन आपको ये भी पता होना चाहिए एग्जामिनर का, ओके? तो अगर इनमें हमने हाइड्रोजन हटा दिया, इनके क्या हटा दिया? इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सी ए, ये थायो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है सेलेनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड, ये सल्फिनिक एसिड, जानते हैं ना? यहां से एच हटा दे, अबे जानते नहीं, जानते क्या? तो 550 550 नंबर जानते हो, बेइज्जती खराब मत करो ना। अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं समझ गया, जानते हो तुम लोग, अच्छा इसीलिए बोलते पढ़ा दो, चलो पढ़ा देंगे, मैं आईयूपीएससी भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आईयूपीएससी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास में समय, अगर हमें फरवरी में कोर्स खत्म करना है और हमें मार्च में पूरी रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है, अप्रैल प्रैक्टिस करनी है, यदि हमें 700 नंबर चाहिए तो हमें किसी भी कीमत पे फरवरी में कोर्स खत्म करना है, और वो भी सब कुछ पढ़ के, एक भी ना छूटे, तो थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा मुझे भी और आपको। चलिए आ गया, ये पॉलीवैलेंट एस्टर पॉलीवैलेंट ग्रुप है, ये थायो कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर, ये भी पॉलीवैलेंट ग्रुप है, ये सल्फोनिक एसिड का एस्टर, इधर भी आ, इधर भी आ, ये आपका क्या हो गया बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड का एस्टर, ये एमाइड, ये एसिड नाइट्राइड एक्सेट्रा, जिस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेंज आ रही हो, इधर भी आर हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे हम लोग, ऐसे फंक्शनल को कहेंगे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ऊपर लिखा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना? ओके नेक्स्ट हो गया जी, हाँ बोलो बेटा, लिखो नेम एस्टर, मैं लिखूं क्या? पैसा वसूल है आप डॉक्टर, है यह है कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, यह है थायो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, यह है सल्फोनिक एसिड एस्टर। अच्छा सुनो, सल्फोनिक में एफ भी आता है और पीएच भी आता है, ये मत बात कर लेना कि आपने एफ लिखा था और यहाँ पर पीएच, क्योंकि पीएच में दो शब्द लिखना पड़ता है, इसमें एक लिखना पड़ता, सल्फिनिक एसिड एस्टर दो, यहां पर बताओ एमाइड 2 डिग्री एसिड, पूरा सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक इसका नाम बता दो, चलो तुम लोग जान जाओगे, सल्फिनिक एसिड एनहाइड्राइड पक्का, और इधर डबल बॉन्ड बना दिया तो सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड, तो हर एसिड का एनहाइड्राइड होता है, हर एसिड का एस्टर भी होता है, और हर एसिड का एसिड हैलाइड भी होता है, अगर ये सभी एसिड का OH हटा के यहाँ पे हैलोजन लगा दें तो इसका नहीं होता, इसका इसका इसके इनके एसिड हैलाइड सेम होते हैं, क्योंकि ये पूरा OH और SH और SH हटा के हैलोजन जोड़ोगे तो सब क्या जगह बताओ सेम आ जाए। चलो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा मत, तो पॉलीवैलेंट समझ गए आप लोग, पॉलीवैलेंट समझ गए जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, पॉलीवैलेंट ग्रुप समझ गए जो एक से ज्यादा, तो ये आइसोमेरिज्म, वही क्या बात करें आप लोग आपस में, कुछ बात करें दूसरे से, कुछ बता रहे वही बता रहे हैं, अच्छा लगा मुझे, लगा कुछ रास्ते में देख के इसलिए बता रहे हैं, कुछ रास्ता खराब है या इधर से मत जाना, दोस्ती निभा रहे हैं। ओके मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हम जब क्लास में बातें करते थे ना अपने जमाने में, तो हम पढ़ाई लिखाई बात नहीं करते थे, हम तो बस ये बताते वो वाला रास्ता अच्छा ये रास्ता खराब है। एक्चुअली मैं भी कभी स्टूडेंट था ना, तो मैं भी कभी स्टूडेंट था, फीलिंग तो वही आ गई मुझे, नेटा मर्स। अच्छा रिकॉर्डिंग कहाँ गई, लाइव तो नहीं जाता, मेरी पत्नी तो नहीं देखेंगे, हाँ बता अब बातें बंद, बोलो बेटा, हाँ बेटा बेटा मस्त कि कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन को आता है, दोनों तरफ कार्बन चेन बना सकते हो। ओके नेक्स्ट क्या बोला था मैं, भूल गया बेटा मस्त। अच्छा एग्जांपल, एक्चुअली वो बातें, अरे क्यों बातें करें आप लोग, क्या फायदा है आप एक दूसरे से बात करने से, ना शांत रहो, नेक्स्ट। अच्छा अभी बात नहीं हो रही थी, लगता मैंने माहौल खराब कर दिया ना, नहीं खराब, मैं मेरे को लगा कि मैंने माहौल खराब कर दिया, मतलब शेरों को जगा दिया मैंने, है ना। अच्छा चलिए बातें बंद करिए, ये कुछ हमने एग्जांपल लिख रखे हैं, इसे ध्यान से देखिए और मन में सोचिए, कुछ फील करिए, बोलिए नहीं सिर्फ फील करिए।
अगर बात करना बहुत जरूरी है तो कोई बात नहीं कर सकते आप, मतलब लेकिन फिर आप स्टेज पे आ जाइए ताकि हम सब सुने बैठे हैं ना कि आखिर बातें क्या कर रहे हैं आप, भरी क्लास में बातें कैसे की जा सकती है ना। ओके मैं सोच रहा हूँ मौका भी दे दूं एक दो बार है ना बच्चों को, पता तो चले बात की कैसे जाती है, ये भी कला है एक आर्ट है सीखना है ना। ये कुछ एग्जांपल हमने लिख रखा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें ध्यान से देखिएगा तो इनके फंक्शन ग्रुप सेम है ना। इसमें जो पॉलीवेलेंट एटम है, ये जो पॉलीवेलेंट एटम है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, ये है। इस पॉलीवेलेंट के एटम लेफ्ट साइड में जो ग्रुप जुड़ा है ये प्रोपाइल है, और राइट साइड का ग्रुप क्या है बताओ, मिथाइल है। तो इसके जो दो ग्रुप है, एक प्रोपाइल है एक मिथाइल है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन से जो दो ग्रुप है वो इसके दोनों ग्रुप से डिफर कर रहे हैं। इधर लेफ्ट भी, इसका लेफ्ट प्रोपाइल है, इसका लेफ्ट मिथाइल है, इसका राइट मिथाइल है, इसका राइट मिथाइल है। तो इसके ऑक्सीजन के जो दोनों साइड के ग्रुप है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों साइड के ग्रुप से डिफर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप चेक करिए, ये आपका एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड के लेफ्ट साइड में जो जुड़ा है वो ये प्रोपाइल, और राइट साइड में मिथाइल, और एनहाइड्राइड के यहाँ पर लेफ्ट साइड में इथाइल जुड़ा है और राइट साइड में मिथाइल। तो राइट वाला ग्रुप राइट से डिफर कर रहा है, लेफ्ट वाला ग्रुप लेफ्ट से डिफर कर रहा है। ये यहाँ पर भी चेक कर ले, यहाँ पर आप ग्रुप देखकर भी कर सकते हो अंदर से भी। यहाँ पर एस्टर के कार्बन से जो ग्रुप चिपका है वो है प्रोपाइल, और यहाँ एस्टर के कार्बन से जो ग्रुप चिपका है वो है इथाइल। तो एक साइड ग्रुप चेंज है, राइट साइड ऑक्सीजन से यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल। तो जब दो आइसोमर्स या ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शन ग्रुप भी सेम हो, परंतु पॉलीवेलेंट एटम या पॉलीवेलेंट ग्रुप से अटैच दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप वैरी करें, दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप वैरी करें, तब उस समय उनको मेटामर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? मेटामर्स। जैसे यहाँ पर भी ये मेटामर्स कहलाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये पूरा ग्रुप ही वैरी करे, इधर प्रोपाइल इधर इथाइल, इधर मिथाइल इधर इथाइल, दोनों साइड के ग्रुप भी वैरी। ऐसा हो सकता है कि ग्रुप सेम हो, अंदर का अटैचमेंट अलग अलग हो जाए। जैसे ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दो ग्रुप है, एक फिनाइल है एक मिथाइल है, यहाँ पर भी वही दो ग्रुप है फिनाइल और मिथाइल, पर अंदर जो फंक्शन ग्रुप के साथ इनका अटैचमेंट है वो वैरी कर रहा है। यहाँ पर कार्बन से अटैचमेंट फिनाइल का है, यहाँ पर कार्बन से अटैचमेंट मिथाइल का, ऑक्सीजन से अटैचमेंट मिथाइल का है, ऑक्सीजन से अटैचमेंट फिनाइल। तो या तो अटैचमेंट डिफरेंट हो तो ग्रुप को अलग माना जाता है, ये ग्रुप है सेम पर अलग माना जाएगा। इसके लेफ्ट साइड का ग्रुप इसके लेफ्ट साइड से वैरी कर रहा है, इसके कार्बन से अटैच ग्रुप इसके कार्बन से वैरी कर रहा है। कभी कभी हमें लेफ्ट राइट तो सेम दिखता है, अंदर के फंक्शन ग्रुप उल्टे लिखे होते हैं। तो अटैचमेंट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड का एस्टर है, ऑक्सीजन से जुड़ा है ऑर्थो क्लोरो फिनाइल, और यहाँ जुड़ा है सल्फर से फिनाइल। इसके ऑक्सीजन से जुड़ा है फिनाइल, ऑक्सीजन का ग्रुप अलग, और सल्फर से अटैच ग्रुप क्या है बताओ अलग, तुमको मेटामर्स कहेंगे। तो बताइए क्या डिफिनेशन लिखे, आप भी बता दो, सजेस्ट करो कि ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शन ग्रुप भी सेम हो, दोनों साइड के ग्रुप या तो टोटली डिफर कर रहे हो या तो अंदर से अटैचमेंट अलग अलग हो, उन्हें क्या कहेंगे? मेटामर्स। लिखाऊं या समझ गए? लिखा दूं? लिखो, द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मेटामर की डिफिनेशन साइड में लिखो ना, साइड खोपचे में लिख लो, कहेंगे देखो, द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप, द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप but different type of alkyl group attached with polyvalent atom or polyvalent group are known as metamers। आपके एग्जाम में ये नहीं कहेगा डिफाइन, हे डॉक्टर डिफाइन मेटामर्स, आपके एग्जाम्पल में आएगा, एग्जाम्पल दिया होगा, बोलेगा हे डॉक्टर बताओ कौन सा आइसोमर्स है, तो बता देंगे ना आप लोग, बोलो हे फ्यूचर डॉक्टर बताओ कौन सा आइसोमर्स है। ओके अच्छा, दोनों साइड के ग्रुप अगर वैरी नहीं करें तो उनको मेटामर्स हम। ओके कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं ये देखो, मैंने लिखा है CH3 CH2 OH। अब ये, अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो पॉलीवेलेंट एटम से ग्रुप वैरी कर रहा है, बट यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए ये मेटामर्स आपस में नहीं होगा, ये क्या होगा, ये फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे कुछ लिख के काट दीजिए, ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है। अगले एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल एक आप दो छूट भी जाए कोई डजंट मैटर, एग्जाम्पल पता नहीं कौन से एग्जाम में आएगा, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, दो सारे एग्जाम्पल कम लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो समझाने के ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो अगला, जैसे मैं ये पूछा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ये दोनों में फंक्शन ग्रुप इथर है, पर यहाँ ऑक्सीजन के राइट साइड का ग्रुप सेम हो गया, बोलो एक ग्रुप सेम हो गया कि मेटामर्स तो नहीं है, कुछ और हो गया, कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर्स। कौन से? क्योंकि चेन चेंज हो रही ना, इसका चेन बिना ब्रांच के, इसका चेन वर्ड ब्रांचिंग के साथ, गलत, दे नॉट चेन आइसोमर्स। क्यों? मेटामर्स तो नहीं। अरे नाम लिख लिया करो, फीलिंग दिखावे पे मत जाओ, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं। आईयूपीएसी नेम लिखो, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका नाम होगा 1-methoxypropane, इसका नाम होगा 1-methoxypropane, और उसका नाम लिखेंगे पेरेंट कार्बन चेन, यहां से काउंट होगा, ये पहला या दूसरा या तीसरा, नाम हो गया 2-methoxypropane, इथर का नाम है, दे आर इथर। तो यहाँ पर मिथॉक्सी प्रोपेन दोनों में है, नंबर एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, दे आर दे डिफरेंट टू ईच अदर इन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। हेलो, आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? तो मेटामर्स समझ में आ गया। अब ट्राइटोमर्स होता है, हाँ बेटा, ये मेटामर्स नहीं, क्योंकि दोनों साइड के ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन के एक साइड का ग्रुप तो अलग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दूसरे साइड का ग्रुप ये सेम है, दूसरे साइड मिथाइल सेम हो गया, दोनों तरफ के ग्रुप चेंज होंगे तभी मेटामर होगा। ऐसे समझो, जैसे एक ऑक्सीजन है ना, इधर देखना, इस ऑक्सीजन से इधर का जेठा भाई लगे, जेठा भाई जानते ना, इधर किसे जोड़े, ये खतरनाक डॉक्टर है आप, अरे इधर दया भाभी है ना, गलत बात कर, खतरनाक डॉक्टर है ना आप लोग, है ना, इधर जेठा भाई को जोड़ते, बोलते भाभी को जोड़ते, नहीं, इधर ऑक्सीजन के इधर जेठा भाई है, इधर दया भाभी, और इधर ऑक्सीजन के अय्यर भाई है, और इधर बबीता भाभी है ना, ठीक है। अब अगर दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ये मेटामर ही कहलाएंगे, याद रखिएगा, इनके फंक्शन ग्रुप सेम होंगे, समझ में आ गया पक्का? ओके, जैसे मान लिया ऑक्सीजन के इधर जेठा भाई है, इधर बबीता भाभी जोड़ जाए, इधर जेठा, इधर जो है अय्यर भाई जोड़ जाए, या इधर, सॉरी
ऐसा गड़बड़ के मामला है। चलो इधर दया भाभी जोड़ देते हैं। अब ऑक्सीजन के इधर जेठो भैया है, जेठा भैया है, तो इधर का ग्रुप सेम हो गया, तो जब तक दोनों मेटामर्स नहीं हुए, दे आर नॉट मेटामर्स। एग्जाम में लेकिन नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। बट मेरे ख्याल से समझ में आएगा, आपको डाउट नहीं होगा बेटा। डू नो जेठा भाई, ओके नेक्स्ट। कहां गए थे, बहुत ढूंढा था मैं आपको। चलिए कुछ होमवर्क लिखना, अच्छा हमें कुछ होमवर्क लिखना है। देखिए होमवर्क, जैसे एक सवाल हमसे पूछा जाता है, डिसाइड टोटल आइसोमर्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये सवाल नेक्स्ट देखा, थोड़े होमवर्क ले लो। अच्छा आइसोमर्स हमें सीट मिल गई, अभी मिली ना, जल्दी मुझे दिखा दो तो, कौन से साइड होमवर्क में दे सकते। एक मेरे को भी दीजिएगा भैया, बस होमवर्क क्या दे सकता हूं, देखे इस बातें नहीं। डीपीपी वन आपका होमवर्क है, डीपीपी वन, डीपीपी टू ये आपके होमवर्क है, दो डीपीपी सिर्फ होमवर्क है। डीपीपी थ्री हम पहले एक बार आपको पढ़ा दे, समझा दे, तो डीपीपी थ्री आपको होमवर्क देंगे, और साथ में एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन हो गए, तो 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट लगेंगे आपको, या मैं अभी मान के चलता हूं आधे घंटे। और क्या होमवर्क दे सकते, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बैंक भी है, तो अभी ये क्वेश्चन बैंक नहीं करेंगे, ओनली डीपीपी, ओके। इसमें मिक्स है तो मुझे छांटना पड़ेगा, ये क्वेश्चन करना है नेक्स्ट डे हम आपको, पहले डीपीपी कर लेंगे आप तक, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है। एक मिनट, कुछ होमवर्क मैं और दे दूं क्या आपको, क्वेश्चन थोड़े से और देखिए, डिसाइड टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन है होमवर्क, डिसाइड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइसोमर्स पॉसिबल इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मैं ये मान के चलता हूं ये आपसे नहीं होगा, पर अगर हो गया तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, और ये हो जाएगा मुझे पता है। मान लिया एक बच्चे से भी नहीं हो गया तो वो उदास नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, हाँ 4, 5, नेक्स्ट बात नहीं, C5H10, 4, C4H8, ये 6, 7, C3H3, नेक्स्ट 7, 8, C3H7Cl, C4H9Cl, C5H11Cl, बस हो गया क्या, थोड़े और दे क्या, बहुत है। अच्छा इसका मतलब समझ गया, अभी साइक्लिक नेक्स्ट देता है, हम टोटल आइसोमर बताने, आपको इतने ही कार्बन यूज करने, लिमिटेशन है, यू हैव टू यूज ओनली 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो आपको बनाने हैं कितने पॉसिबल आइसोमर बना सकते हैं। इसका हिंट ये है, पहले एक बार आप इसका डीओ चेक करेंगे, तो डीओ अगर जीओ आ जाए तो सभी एसाइक्लिक मॉलिक्यूल होंगे, उसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा। डीओ अगर 1 आ जाए तो एसाइक्लिक भी होगा और साइक्लिक भी होगा, ए साइक्लिक पाई बॉन्डेड होगा और साइक्लिक ओपन चेन। तो आप इस हिसाब से ये सारे क्वेश्चन इजी लेवल के हैं, ये क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा जा चुका है, जे एडवांस का सवाल है, पर है बहुत आसान, ये सबको आता है, तो आपके एग्जाम में नहीं, सॉरी ये नीचे वाला, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये था, ये नहीं था, ये तो बहुत आसान। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर एंड